Rocket, come, come. Come, come, come. ओए रॉकी, रॉकी कम, अबे आ जा इधर रॉकी के बच्चे, अबे जल्दी से आ जा। वही सब गाइस, रॉकी के आईज पर ना बहुत सारा भाई गंदगी जमा हो गई है भाई, देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी भाई। इसकी डिवॉर्मिंग करने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है और अभी इसे निकालना पड़ रहा है भाई, देख सकते हो कुछ इस तरीके से निकाल रहे हैं भाई, ध्यान देना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के भाई अभी 7 बज गए हैं और मौसम देख सकते हो आपके हिसाब प्यारा दिख रहा है भाई, हर तरफ हरियाली हो गई है अभी क्योंकि बारिश का मौसम है ना। देख सकते हो भाई खेत में सोयाबीन लगा हुआ है, पूरे खेत भरे हुए भाई, हरे हरे दिख रहे हो आपको, इतना प्यारा मौसम है गाइस, देख सकते हो फुल एकदम गांव का फील आ रहा है यहाँ पर। और आज का जो टॉपिक है ना गाइस, वो बेसिकली है भाई अपना हेयर के ऊपर, जो आपके डॉग के हेयर है ना उसमें जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर है टॉपिक। आप जब एक बार हेयर कट करते हो तो कितने दिन में हेयर जो है आता है आपके डॉग पे, और आपको कट करने चाहिए या फिर नहीं। अबे यार बताइए का बच्चा, तो इस पर आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको बताऊंगा मैंने अपने रॉकी के हेयर कट कभी किए थे और कितने दिन हो चुके हैं और कितने हेयर आ चुके हैं, उसके अभी ग्रोथ कितनी हो चुकी है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। आपको भी पता चल जाएगा कि आपको अपने डॉग के हेयर कट करने भी है या भी नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस 2 या 2.5 महीने पहले हमने अपने रॉकी के जो है हेयर कट किए थे, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसा दिख रहा था भाई अपना रॉकी हेयर कट करने के बाद, उससे पहले जो है उसके भाई बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हेयर थे, मतलब ये वो लॉन्ग कोट में है तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हेयर थे। और उसके बाद जो है हमने हेयर कट किए थे क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो चुका था और टिक्स भी हो गए थे भाई। ये रही भाई उसकी कंडीशन, तो कुछ ऐसा दिख रहा था 2-2.5 महीने पहले हेयर कट करने के बाद। और उसके बाद जो है गाइस अभी उसे 2.5-3 महीने हो चुके हैं। हेयर कट करने के बाद हमने उसका और एक वीडियो निकाला था गाइस, आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो इसे अभी उसके बाद जो है 1 मंथ हो चुका था भाई, 1 मंथ के बाद जो है उसकी जो हेयर में ग्रोथ थी भाई, तो कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो है गाइस अभी इसका जो है 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको उसकी कंडीशन क्या है भाई। रॉकी, अबे यार ये रॉकी का बच्चा भाग गया भाई। ये रहा भाई अपना रॉकी, तो कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है भाई अभी 2-2.5 महीने के बाद, देख सकते हो। ओ रॉकी का बच्चा, रुक जा, ये देखना गाइस, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जैसा आपको मीडियम कोट या शॉर्ट कोट में जो डॉग दिखता है ना जर्मन शेपर्ड का, तो कुछ उस तरीके से ये दिख रहा है भाई अभी। तो इसके पूरे टिक्स जो है वो खत्म हो चुके। अबे यार इज्जत का फॉलो दमक समझा, तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, देख सकते हो आप कुछ कंडीशन ऐसी है अभी इसकी। तो इससे आपको अभी गाइस पता चल रहा होगा कि आपको हेयर कट करने चाहिए या भी नहीं है, क्योंकि भाई अभी 2-2.5 महीने हो चुके हैं और इसकी जो हेयर की ग्रोथ है वो सिर्फ हो गई है भाई इतनी, मीडियम कोट या शॉर्ट कोट के जर्मन शेपर्ड की जैसी। तो 2-2.5 महीने के गैप में इतना, बस इतना सा ही अंतर आ चुका है हेयर ग्रोथ में। अभी इसके जो प्रॉपर हेयर है वो तो शायद अभी 5-6 महीने लग जाएंगे भाई आने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा गाइस कि आपको हेयर कट करने चाहिए, अगर हेयर कट करोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी आपके डॉग की, अगर आपका जर्मन शेपर्ड होगा, और इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा हेयर आने के लिए भाई। चाहे तो आप हेयर कट कर सकते हो या फिर नहीं भी, अगर आपका भाई जर्मन शेपर्ड के अलावा लैब्राडोर होगा, डॉबरमैन होगा या फिर रॉटविलर, मतलब जो भी मीडियम कोट या शॉर्ट कोट वाले डॉग है ना वो होगा डॉग, तो आपको हेयर कट कर सकते हो, मतलब कि आप, क्योंकि 2 महीने के अंदर आपको इतनी ग्रोथ उनके अंदर देखने को मिलेगी, मतलब कि उनके जो हेयर है ना वो प्रॉपर आ जाएंगे भाई तब तक। अभी इसका जो है लॉन्ग कोट है भाई, बड़े बड़े बाल है, इसकी वजह से ना इसको आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी। अब भी तो इसका शॉर्ट कोट मीडियम कोट जैसा कोट आया है भाई, तो इसको अभी इसके 3 गुना टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है मुझे अभी, मतलब कि 5-6 महीने के गैप में इसके प्रॉपर जो हेयर है वो आ जाएंगे भाई। तो ये था गाइस आज का वीडियो हेयर के ऊपर, आपको पता चल गया होगा कि आपको हेयर कट करने चाहिए या भी नहीं है, अगर ज़रूरत होगी बहुत ही ज़्यादा तो हेयर कट कर सकते हो या फिर नहीं भी। तो वीडियो पसंद आया है, छोटा सा वीडियो था, तो लाइक कर देना और नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और आपकी जो मुश्किलें हैं उसका हल निकालता रहता हूँ भाई। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।